बाराबंकी के तहसील हैदरगढ़ परिसर में लगभग 1:30 बजे अपराह्न सुरजीत पुत्र उदय कुमार निवासी ग्राम नबीपुर मजरे फिरोजाबाद द्वारा चुपचाप तरीके से ज्वलनशील पदार्थ से अपने आप को आग लगाने का प्रयास किया गया, जिसे तत्काल मौके पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बुझा दिया गया। सुरजीत को तत्काल सिविल हॉस्पिटल लखनऊ को MOIC नायब तहसीलदार के साथ उपचार हेतु भेज दिया गया। परिजनों को सूचना दी गई एवं परिजन द्वारा हॉस्पिटल में देखरेख की जा रही है। डॉक्टर की सलाह से इलाज कराया जा रहा है। पूर्व में रामदेव सिंह ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 18 जनवरी 2023 को सुरजीत के विरुद्ध पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र तहसीलदार के पास भेजा गया था, जिसकी जांच की जा रही थी। दिनांक 21 जनवरी 2023 सुरजीत के परिजनों द्वारा भी तहसीलदार एवं रामदेव सिंह ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के विरुद्ध शिकायती पत्र दिया गया है, जिसमें अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने का आरोप लगाया गया, जिसके संबंध में पृथक से जांच की कार्यवाही की जा रही है। आज दिनांक 21-1-2023 को तहसील परिसर में श्री सुरजीत एक व्यक्ति था जो लगभग 1:30 बजे यहाँ तहसील परिसर में आया और चुपचाप कुछ ज्वलनशील पदार्थ लेके आया था, जिससे उसके द्वारा अपने ऊपर छिड़क कर आग लगाए जाने का प्रयास किया गया, जिसमें तत्काल मौके पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा उसको आग बुझा दिया गया और यहाँ पर MOIC हैदरगढ़ और नायब तहसीलदार के द्वारा उसको यहाँ से रेफर कराया गया और सिविल अस्पताल लखनऊ में इसको इलाज के लिए भेज दिया गया है। परिजनों को तत्काल सूचना दी गई, परिजन जो है वो भी अस्पताल में ही है। पूर्व की घटना इसमें ये थी कि श्री रामदेव जो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा तहसीलदार को ये लिखा गया था कि श्री सुरजीत के द्वारा कुछ पैसा मांगने की बात कही जा रही थी और अभद्र भाषा का प्रयोग करे जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, उसके संबंध में जांच की जा रही थी। आज परिजनों द्वारा भी इसके संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि तहसीलदार और श्री रामदेव जी द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है।